आज हम 12th के चैप्टर 9 के बारे में पढ़ेंगे जो कि अवकलन है। अवकलन के बारे में 11th में हम पहले पढ़ चुके हैं, सरल अवकलन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अवकलन से रिलेटेड कुछ सूत्र इस प्रकार होते हैं, ये तुम लोग 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो, इनका इस्तेमाल हम 12th में भी करेंगे। तो जैसे डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन की वैल्यू क्या होती है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, जहाँ डी अपॉन डी एक्स ये अवकलन का साइन है, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स होता है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू वन होता है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस एक्स इक्वल टू माइनस का साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार से डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इन टू टेन एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस एक्स इक्वल टू माइनस का कोस एक्स इन टू कोट एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोट एक्स इक्वल टू माइनस का कोस एक्स स्क्वायर एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स इन टू लॉग ई ए, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस का वन अपॉन में अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है माइनस का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है वन अपॉन एक्स इन टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसी प्रकार से डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस एक्स इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस का वन अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये तीन जो चार सूत्र हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये फलन को डिनोट करते हैं, ए वन एक्स मतलब दो फलन हैं दोनों के बीच में अगर प्लस का साइन लगा है तो ये कैसे खुलेगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए वन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स। इसी प्रकार माइनस का साइन लगा है तो माइनस का साइन भी इसी प्रकार खुल जाएगा, लेकिन इंटू अगर दोनों फलनों के बीच में लगा है तो ए वन एक्स इंटू एफ टू एक्स का फार्मूला हो जाएगा पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। इसी प्रकार अगर बटे में राशियां हैं ए वन एक्स सॉरी बटे में फलन है ए वन एक्स अपॉन में एफ टू एक्स तो एफ टू एक्स को पहले लेंगे, दूसरा फलन पहले का अवकलन माइनस पहला फलन दूसरे का अवकलन होल अनुपात में क्या जाएगा एफ टू एक्स का होल स्क्वायर मतलब दूसरे फलन का होल स्क्वायर, ठीक है।